स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी तक जबलपुर में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सांसद राकेश सिंह ने पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है देश में खेलों को प्रोत्साहित किया जाए और आगे बढ़ाया जाए। युवा पीढ़ी को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखने के लिए खेलों से जोड़ने की आवश्यकता है, साथ ही खेलों में उनका भविष्य उज्जवल है। इसे देखते हुए जिले में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती के अवसर पर जबलपुर में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में किया जाएगा। उद्घाटन अवसर पर सूर्य नमस्कार होगा। सांसद राकेश सिंह ने बताया, महोत्सव के दौरान क्रिकेट, कुश्ती, कबड्डी और खो खो के प्रतिस्पर्धा मैच होंगे। उन्होंने बताया, हॉकी, मलखंब, फुटबॉल, बॉक्सिंग के प्रदर्शन मैच होंगे। उन्होंने बताया, इस दौरान पारंपरिक खेल गिल्ली डंडा, भावरा नचाना और रस्सी कूदना, पिट्टू खेलना, कंचा खेलना जैसे पारंपरिक खेल भी शामिल होंगे, जिसमें सभी हिस्सा ले सकते हैं। उन्होंने बताया, सांसद खेल महोत्सव में सभी हिस्सा ले सकते हैं। शामिल होने वाले सभी खिलाड़ियों और नागरिकों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। इस दौरान पतंग महोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। इसके साथ ही साइकिलिंग के लिए लोगों में जागरूकता लाने के लिए साइकिल मैराथन भी आयोजित की जाएगी। सांसद राकेश सिंह द्वारा खेल महोत्सव की जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदान की गई। इस दौरान उनके साथ भाजपा के विधायक एवं पदाधिकारी भी उपस्थित थे। देखिए, आजादी के बाद से कांग्रेस ने कहीं पर विकास के लिए तो कुछ किया नहीं। हर जगह अगर कुछ हो रहा है तो उसमें श्रेय उनको चाहिए। पदयात्रा निकालने के पहले आपकी जानकारी के लिए, श्रेय के लिए अपनी फोटो और अपने पोस्टर उन्होंने वहाँ खम्भों पर लगा दिए कि हम बनवा रहे हैं। देश में कोई भी विकास का कार्य होता है, प्रारंभिक कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन आज मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर जबलपुर में बन रहा है, जिसके लिए हम तरसा करते थे कि जबलपुर के साथ उपेक्षा होती है। आज मध्य प्रदेश अकेले नहीं, दो तीन राज्यों में ऐसा इतना बड़ा फ्लाईओवर नहीं है जो जबलपुर के विकास को ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, जिसकी कीमत 850 करोड़ रुपए है। लगभग 6.5 से 7 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर है। ये बन रहा है तो स्वाभाविक कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, और ऐसे में इस तरह के पदयात्राएँ करना ये उनका अधिकार है, विपक्ष में है, लेकिन वो केवल और केवल विपक्षी बनकर ना रहे। जबलपुर के नागरिक हैं, इस बात की चिंता भी उनको करना चाहिए और अच्छे कामों में बढ़ चढ़ कर सहयोग करना चाहिए। और पत्रकार बंधु भी खेलें, डॉक्टर्स भी खेलें, एडवोकेट्स, इंजीनियर्स भी खेलें, समाज के विभिन्न वर्गों के जो अलग अलग संगठन है वो भी खेलें। तो हमारा सबसे आह्वान है, जबलपुर का खेल है, जबलपुर के लिए है।